नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य संयोजकों के हड़ताल से मंगलवार को शिशु संरक्षण माह का सत्र प्रभावित हुआ है। साथ ही लाखों बच्चे विटामिन ए की खुराक से वंचित हो गए। हड़ताल के दौरान आज कोरोना काल में शहीद हुए स्वास्थ्य कर्मियों को धरना स्थल पर श्रद्धांजलि भी दी गई। देखते हैं एक रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य संयोजकों की मांग को पूरा कराने के लिए प्रदेश भर के हजारों नियमित स्वास्थ्य कर्मियों की भीड़ छत्तीसगढ़ की राजधानी में लगातार बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन धरने का असर अब आम नागरिकों को भी होने लगा है। मगर भूपेश सरकार की दृष्टि में आमजन कितना महत्व रखते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वर्तमान में पूरे प्रदेश में राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण योजना शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है, जो इस धरने की वजह से पूरी तरह से बाधित हो गया है। शिशु संरक्षण माह में 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है और साथ में आयरन सिरप का वितरण किया जाता है। शिशु संरक्षण माह में विशेष स्वास्थ्य सेवाओं के तहत गर्भवती माता की जांच और टीकाकरण की जाती है और इसके साथ ही 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का नियमित टीकाकरण कर उन्हें अनेक जानलेवा बीमारियों से प्रतिरक्षित किया जाता है। स्वास्थ्य संयोजकों के हड़ताल से शिशु संरक्षण माह पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लटका हुआ है और हितग्राहियों को बिना स्वास्थ्य सेवा का लाभ लिए वापस जाना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब जनता टीकाकरण के लिए उप स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर रहती है, क्योंकि निजी चिकित्सालयों में नवजात बच्चों को टीका लगाने में 45,000 रुपए तक खर्च आता है, जिसका वहन करना आम जनता के लिए मुश्किल होता है। हमारी अनिश्चितकालीन आंदोलन 21 मार्च 2022 से प्रारंभ हुई है। यहाँ पर हमारे 15,000 स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ आए हुए हैं और जो कि पीएससी, सीएससी और स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र जो ग्रामीण स्तर पर होती हैं, वहाँ पर सभी पदस्थ हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, दोनों ही, जो कि 28 राष्ट्रीय कार्यक्रम और 12 या 14 योजनाओं का कार्य क्रियान्वयन करते हैं ये कर्मचारी। और हमारी एक प्रमुख मांग है सर, वेतन विसंगति हमारी प्रमुख मांग है। 2800 ग्रेड पे की मांग है, जो कि 2200 ग्रेड पे में हमारी अभी भी चल रही है, जिसको 2800 ग्रेड सिर्फ 600 रुपए ग्रेड पे बढ़ाने की मांग है, प्लस पदोन्नति और हमारा जो पदनाम है, पदनाम की बात है, और कलेक्टर दर पे हमारे जो वार्ड बॉय वार्ड आया की जो मांग है ये रखी गई है। 6 मांगें हैं हमारी, जिसको लेकर हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पे बैठे हुए हैं। 2 दिन हुआ है, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन आंदोलन अनवरत दिवस तक। आज दूसरे दिन धरना स्थल पर हजारों कर्मचारियों द्वारा कोरोना में शहीद हुए उन स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी याद किया गया और उनके लिए कैंडल सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना के लिए सर, आज कोरोना वॉरियर्स जो हमारे कोरोना काल में जितने भी हमारे कर्मचारी शहीद हुए हैं, उनके लिए सर आज कैंडल मार्च किया जाएगा। ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।